लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनआरओ और एनआरई के बेसिक फीचर्स पढ़ लिए थे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, वो फॉरेन में स्टडी कर रहा है, आपको उसका फीस देना है, और फीस देना है 5,000 पाउंड। ठीक है, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किन किन अकाउंट से आप फीस उसका दे सकते हैं 5,000 पाउंड? आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, और स्टेट बैंक की एक रूरल ब्रांच में अकाउंट है, ठीक है, और आपका 2 लाख रुपीज बैलेंस है। ठीक, इस कंडीशंस में आप उसका फीस का रेमिटेंस करना चाहते हैं जर्मनी में। जर्मनी में बीटेक कर रहा है आपका रिलेटिव या बच्चा या कोई भी, ठीक है, रूरल ब्रांच में उसका अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसका फीस आप कैसे कैसे दे सकते हैं, कोई लोग आंसर करेंगे? सर फ्रॉम सिंपल सेविंग अकाउंट और व्हाट एवर रनिंग अकाउंट सर। अभी इसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल ब्रांच में 2 लाख रुपीज हैं, और वो 5,000 रुपीज जो है वो करना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है, तो उसके अकाउंट में तो बैलेंस है। क्या प्रोसेस वो अडॉप्ट करेगा, कहाँ अप्रोच करेगा? क्या रूरल ब्रांच को कहेगा कि आप मेरा रेमिटेंस कर दीजिए? रूरल ब्रांच वो एप्लीकेशन रिसीव करने होता है, जो भी लिंक फॉरेस्ट ब्रांच है, एडी ब्रांच, वो मैंने जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ यूनियन बैंक में, हम लोग वहाँ पे भेज देते हैं जो भी जहाँ से फॉरेस्ट हैंडलिंग होता है। और उसके बाद वो है कि वो पैसा डेबिट मार के वो डायरेक्ट भेज देता है फॉरेन। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, क्या रूरल ब्रांच खुद कैपेबल है ट्रांसफर करने के लिए? नहीं सर, हाँ जी सर, नो एसबीआई में सर। हो जाता है सर। नहीं, सभी ब्रांच नहीं कर सकते सर, सभी ब्रांच अथराइज ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं नो सर, नो सर, नहीं, मैं तो जो सामने एग्जांपल लिखा है कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं कर कर सकता सकता है सर, एसबीआई में नहीं, हो जाता अपना है। ब्रांच को नहीं कर सकता। फॉरेक्स फॉरेक्स ऐप है, उसके देखो, द्वारा हम कर सकते हैं। अगर ये एडी कैटेगरी का ब्रांच है तो ये खुद भी ट्रांसफर कर सकता है, खुद ही कन्वर्जन करेगा, और खुद ही इसके पास जो फॉरेक्स का मॉड्यूल होगा उसमें पंचिंग करेगा, और जो भी प्रोसेस होता है वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि ब्रांच चाहे रूरल में हो, अर्बन में हो, मेट्रो में, कोई भी ब्रांच को एडी कैटेगरी का लाइसेंस बैंक लेवल पे वो आरबीआई से ले सकता है। उसका रीजन बताता हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे गांव हैं जहां पे पूरा गांव एनआरआई है, पूरा गांव एनआरआई है, तो वहां पे स्पेशली उस ब्रांच को एनआरआई लाइसेंस, ये एडी का लाइसेंस ले लिया जाता है कि उनका बहुत बिजनेस होता है वहां पे। जैसे कई जगह एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, वहां पे भी फॉरेन करेंसी डीलिंग की ब्रांच हो जाती है। तो जब हम 3 कैटेगरी की ब्रांचेस पढ़ेंगे, तो जो ब्रांचेस एलसी का डील कर लेती हैं, एलसी की जो ब्रांच होती है वो लगभग सभी काम कर लेती है। फिर कुछ ब्रांचें क्या होती हैं कि वो एलसी का काम नहीं करती, गारंटी का काम नहीं करती, लेकिन वो अकाउंट ओपनिंग और ड्राफ्ट रेमिटेंस का काम कर लेती हैं। ठीक है, तो अगर वो एडी कैटेगरी की ब्रांच है तो खुद डेबिट करेगी, नहीं है तो वो क्या करेगी, अपनी कंसर्न ब्रांच से पूछेगी कि भाई इसका कितना पैसा हमने डेबिट करना है, उसका ये अकाउंट डेबिट करेगी, और उस ब्रांच को, ब्रांच इंटर ब्रांच जो अपने ब्रांच से ब्रांच ट्रांसफर होता है, वो मनी उनके उस ब्रांच के, उस पर्टिकुलर ब्रांच के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, और वो जो ब्रांच है वो ब्रांच उस मनी को वहां पे ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, स्विफ्ट कोड केवल ऑथराइज बैंक इशू करती है, वेस्टर्न यूनियन से कर सकते हैं। देखो, वेस्टर्न यूनियन की जब भी बात आएगी तो वेस्टर्न यूनियन बैंकिंग नहीं है, वो एक एनबीएफसी टाइप का बॉडी है, बैंकिंग का सिस्टम, और इनका जो वेस्टर्न यूनियन है कि कॉक्स किंग करके है कुछ, ये सब चीजें अलग है। ठीक है, और स्विफ्ट कोड जो ऑथराइज इशू होता है, इसमें अभी इन्होंने लिखा है, एमआर जी ने लिखा है, स्विफ्ट कोड केवल ऑथराइज इशू होता है, तो इसमें जो है वास्तव में जो एडी कैटेगरी की ब्रांच होती है वहीं पर स्विफ्ट कोड फिर जनरेट होता है। ठीक है, और स्विफ्ट कोड मनी को मंगाने के लिए चाहिए या सेंड करने के लिए? सेंड करने मंगाने के लिए दो आंसर दोनों आए के लिए मेरे सर। पास, सर
ठीक है, दोनों के लिए चाहिए, सही कह रहे हैं कि अगर आप सेंड करेंगे तो पूछेंगे कहां भेजना है, जो डेस्टिनेशन ब्रांच है। डेस्टिनेशन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होने से ही वहां मनी उस अकाउंट में जाएगा। और स्विफ्ट कोड में भी कई बार क्या है कि कुछ बैंक अब ऐसे आ गए हैं जिन्होंने सिंगल स्विफ्ट कोड ले रखा है और सिंगल अकाउंट ले रखा, वो सीबीएस बैंक है वो, तो वो क्या करते हैं कि वो कहीं पर भी हो वो उस अकाउंट नंबर को पकड़ लेता है, और स्विफ्ट कोड आप बगल वाली ब्रांच का भी डाल दीजिए तो भी आपके अकाउंट में ही आएगा। जब ये सीबीएस नहीं थी तब इसका बहुत रेलिवेंसी था, ठीक है। ऐसी अब बात करता हूं आईएफएससी कोड की। आप कभी गौर करना कि आप जब आईएफएससी कोड किसी बगल वाली ब्रांच का डाल दीजिए और अकाउंट नंबर किसी और का डाल दीजिए तो भी आपका ट्रांसफर चला जाएगा, क्योंकि अब यूनिक बैंक में यूनिक नंबर है वो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट नंबर एक ही ब्रांच में मिलेगा आपको। इस ऑपरेशन वाली बात पे कोई आप क्रॉस करना चाहेंगे? नहीं सर, ये यूनिक नंबर है सर। हाँ सर, यदि आईएफएससी गलत रहेगा तो सर वो पैसा रिफंड आ जाएगा सर? नहीं, गलत रहना अलग चीज है। नहीं, गलत मैंने उस ब्रांच में नहीं रहेगा, तो यदि हम कोई यस सर दिल्ली के ब्रांच का आईएफएससी डाल दें मुंबई के अकाउंट में, ठीक है, तो वो पैसा रिफंड आ जाएगा सर? कल करके देखना जरा। ओके, नाम चलेगा। मैंने चले जाता है सर कभी कभी पैसा दूसरे ब्रांच का आईएफएससी से चला जाता ना। जी सर, एसबीआई में चला जाएगा सर, बाकी में भले कुछ भी होना चाहिए। चलो आप लोग क्या करना, 10 रुपए ट्रांसफर करके देखना। सर ये चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ग्रामीण बैंक है ना सर, बहुत बार आईएफएससी कोड गलत होने से ना वापस आ जाता है सर। नहीं, गलत होना अलग चीज है, मतलब गलत होना अलग चीज है, लेकिन दूसरी ब्रांच का डालना अलग चीज है। गलत तो ऐसे होता है, सुनो, गलत तो ऐसे हुआ जैसे मान लिया गलत सिस्टम अलाउ नहीं करता है ना सर। हाँ, गलत तो सिस्टम ही नहीं लेगा अगर आईएफएससी कोड गलत है तो सिस्टम। चलो ये करके देखना, तो मेरे को ये तो पता है कुछ बैंकों में तो होता ही है। हाँ सर, होता है, होता है सर। आप केवल अपना क्रॉस चेक कर लेना। और ऐसा बताऊं क्यों होता है, हम कर चुके हैं ये कई बार, अगर नाम गलत है तो रिटर्न आ जाता है सर। ये अकाउंट नंबर से लेता है या नाम से लेता है सर? नाम नहीं लेता, फोन नंबर नहीं लेता, अकाउंट नंबर लेता है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम, आईएफएससी कोड बैंक होना चाहिए, रिटर्न आ जाता है सर। अच्छा, रिटर्न आता है। हाँ सर, नाम ये कुछ बैंकों में होता है, कुछ बैंकों में नहीं होता सर। एक प्रैक्टिकल बात बताऊं सर? जी, मैंने खुद किया था एक ग्रामीण बैंक में, तो उसका आईएफएससी कोड कस्टमर गलत लिखा था, तो उसका 40,000 आसपास का कुछ था, तो वो क्रेडिट हो गया एक दिन बाद। हुआ ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि वो बैंक में अपेक्स लेवल पे कहीं अटकता होगा। हाँ। लेकिन वो बैंक वेरीफाई करके शायद दे देता होगा। हाँ हाँ सर, हो गया है ना। और आने वाले टाइम में हो सकता है आईएफएससी कोड का कुछ कॉन्सेप्ट बदल भी जाए, आईएफएससी कोड का कॉन्सेप्ट बदल भी जाए। सीधे स्टेट बैंक का एक आईएफएससी कोड, यूबीआई का एक आईएफएससी कोड, अब वो देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है क्लियरिंग के लिए बनाए रखे हो, लेकिन एनईएफटी आरटीजीएस के लिए शायद सिंगल कर दें, क्योंकि सीबीएस का मतलब। नाउ आई सेंट वन आईएमपीएस, मैंने अपना एसबीआई का आईएफएससी दूसरे ब्रांच का डाल दिया, बट अकाउंट नंबर में अपना डाला, वो पैसा क्रेडिट हो गया सर। नहीं, एसबीआई का तो कंफर्म है, मैंने पहले ही बोल दिया। चलो कल देख लेना, ठीक है। तो स्विफ्ट में एक क्वेश्चन जेआईबी के लिए पक्का है, आप लोग अपनी कॉपी में इस स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म लिख लीजिए, और सीआईबी के रिटेल में भी इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। 1 मार्क्स पक्का होगा, देख लीजिए।
टेलीकॉम सर, टेलीकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन। एक तो यहाँ पर होगा, ये तीन है, इन तीन में से कौन सा होगा? कुछ लोग टेलीकम्युनिकेशन बता रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन या कुछ और नहीं होता है, ट्रांसमिशन भी नहीं होता है। तो जब आपका क्वेश्चन आता है तो वहां पर यही ऑप्शंस आ जाते हैं। तो क्या होता है बोलिए आप लोग, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। कुछ बोल रहे मैडम? तो ये ध्यान रखिएगा, सोसाइटी फॉर, लिख तो दिया मैंने, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? ला हुल्पे, बेल्जियम। बेल्जियम में? यस सर। ठीक है, तो ये छोटा सा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो जेआईबी वाले मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वरना 50 से 49 हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो सीआईबी वाले हैं उनके रिटेल के लिए है। रिटेल में एक यूनिट है कि फंड ट्रांसफर करने का, वहां पे एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरबैंक सब दिया हुआ उसमें, ठीक है। अच्छा, स्विफ्ट कोड जो होता है ब्रांच का, कितने डिजिट का होता है? जो स्विफ्ट कोड होता है वो किसी भी ब्रांच का कितने डिजिट का होता है, जो डीलिंग करते हैं वो बताएं। 11 सर। मैं यहाँ पर कुछ स्विफ्ट कोड आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 8 डिजिट का होता है। कितने का? 8। 8। और कुछ बोलेंगे? फिर इट इज 11। 11? यस। ये सामने स्क्रीन पे देखिए, ये दिया हुआ है करेंसी ऑफ रेमिटेंस, नेम ऑफ करेस्पोंडेंट बैंक, अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड। तो ये स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का है? ये वाला स्विफ्ट कोड है, ये कितने डिजिट का है? 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और ये वाला कितने का है? 8 है सर। 8 का है। तो ये जो स्विफ्ट कोड है ये कहां से जनरेट हो रहे हैं? यहां पर कंट्री टू कंट्री का डिफर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किसी इंडियन बैंक का लेते हैं, जो स्विफ्ट कोड है वो किसी इंडियन बैंक का लेते हैं, SBI नैनीताल का देते हैं। जो यहां पे स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का आ रहा, देखिए 11 डिजिट का है सर। 11, ठीक है। तो इंडिया में जो आप देखेंगे, तो इंडिया में अधिकतर बैंकों के, क्योंकि RBI यहाँ पे स्ट्रक्चर करता है, तो यहाँ पर फिक्स होगा, अदर कंट्री का अलग होगा, अदर कंट्री का अलग होगा। जहां पे बहुत कम ब्रांचे हैं वहां पे हो सकता है कि बहुत कम हो, ठीक है। इंडिया में जो और बैंक है हमारे, मान लिया हम यहाँ पे स्टेट बैंक की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा कर देते हैं, BOB, तो इसका जो स्विफ्ट कोड है वो कितने का आ रहा, देखिए थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, BARBOI नैनीताल, NAI, ये तो IFSC कोड है। नहीं सर, वही तो हमने जिस ब्रांच को देखा, हो सकता है कि वो फॉरेक्स का बिजनेस ही रन ना करती हो, ये भी तो हो सकता है। तो स्विफ्ट कोड किन का मिलेगा आपको? फॉरेक्स वाले ब्रांच। हाँ, जो फॉरेक्स की ब्रांच होगी उसी का तो मिलेगा। आप लोगों को किसी को अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं पता? ये दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, टॉप में देखिए जरा, दिख रहा सामने स्क्रीन पे, 11 डिजिट। तो इंडिया में ये है, इसको कल अपना कहीं जाके या क्लास के बाद क्रॉस चेक कर लेना, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी फंसता है, और उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका वो भी जरूर देख लीजिएगा। जैसे IFSC कोड में फोर्थ प्लेस ऑलवेज क्या होता है? जीरो।
जीरो। कोई मुझे बता सकता है जीरो क्यों होता है? इसका क्वेश्चन आया हुआ कई बार, बैंक और ब्रांच बाइफर्केट करने के लिए। नहीं, इसका आंसर सुन लीजिए, आपने कभी नहीं सुना होगा। बैंक और ब्रांच को बाइफर्केट करने, ब्रांच कोड होता है सर ना ये। क्या लिखा मैंने आंसर? रिजर्व डिजिट। हाँ, कल को ब्रांच बहुत सारी हो जाएं, समझे, तो फिर वो या बहुत सारे बैंक हो जाएं या कुछ और हो जाए, जैसे SBIN यहां स्टार्ट किया हुआ है, ऐसे ही कोई SBI नीदरलैंड हो जाए, कुछ SBI नागालैंड, कुछ मतलब ऐसा कुछ बन जाए, तो फिर वहां पे फिर कुछ उसको एक्सटेंड करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के पहले फोन नंबर जो थे वो शायद 9 डिजिट के थे, आजकल फोन नंबर कितने डिजिट के हो गए? 10 के। वो सारे फोन नंबरों में स्टार्टिंग में 2 ऐड हो गया था, 10। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तो हम यहाँ पे स्विफ्ट कोड पे बात कर रहे थे, और ट्रांसफर के लिए जो रिसीविंग ब्रांच होता है उसका स्विफ्ट कोड जरूर होगा। ठीक है, सेंडर का उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, अब ये कॉमन बात हो जाएगी कि कोई भी ब्रांच अगर सेंडिंग कर रही है तो फॉरेक्स की होगी, तो उसने अपना स्विफ्ट कोड ले रखा हो, एक अलग बात है। ठीक है, और कई सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने सिंगल स्विफ्ट कोड ले रखा है। ठीक, इसमें एक प्रमोशनल क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो बैंक है उनके वहां स्विफ्ट कोड कौन से बैंक ब्रांच का दिया गया है, तो ये भी आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिए। अधिकतर जो एक सेंट्रलाइज ब्रांच बना दी जाती है जिसको सर्विस ब्रांच या क्लियरिंग ब्रांच बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं। चलो, थियोरेटिकल पढ़ने से पहले एक बार मैं बहुत सिंसियरली इन बातों को सुनिएगा, एक मार्क्स यहां पक्का होने वाला है इस स्क्रीन से, और इस स्क्रीन का नाम है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट। अगर आज तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आज जरूर क्लियर कर लीजिए। और उसके एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंकों के अकाउंट खोल रखे हैं, PNB खोल रखा है, ICICI खोल रखा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा खोल रखा है, और एक सिटी बैंक। ठीक है, इतने बैंकों के अकाउंट, और बैंक इंटर बैंक अकाउंट क्यों खोलता है कोई बताएंगे? विदेश में उसका ट्रांजेक्शन तय करने के लिए, हाँ, उसके आपस में अपने बैंकों से तो बैंक पेमेंट होता है, रेमिटेंस के लिए सर, रेमिटेंस के लिए, इंटर बैंक रेमिटेंस के लिए, बिल्कुल ठीक। ठीक, तो सिटी बैंक ने अकाउंट खोला हुआ है, SBI का भी खोला हुआ है, स्टैंड चार्ट का भी खोला हुआ है, PNB का भी खोला हुआ है, ठीक है, और एक है स्टैंड चार्ट बैंक। स्टैंड चार्ट बैंक कहाँ का है पता है आपको? लंदन का, ऑस्ट्रेलिया सर शायद, नहीं नहीं, ब्रिटेन, ब्रिटेन का है। ठीक है, HSBC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? HSBC बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ना, हांगकांग, उसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये चाइना का बैंक है ना सर? अरे चाइना का बैंक है, लेकिन हो सकता है कि उसमें जो ज्यादा जो पार्टनरशिप है वो उनकी हो, प्राइवेट बैंक है ना, ही तो गवर्नमेंट बैंक थोड़ी है। ठीक है, जैसे ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अगर ये लोग अपना हेडक्वार्टर वहां बना रहे हैं अबू धाबी में, तो सऊदी में बना लें तो कोई दिक्कत है किसी को? बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, परमिशन देगा सर? नहीं, तो ICICI बैंक तो वैसे ही फॉरेन बैंक है, पता है आपको ICICI बैंक फॉरेन बैंक है? इंडियन बैंक वो से प्राइवेट बैंक, इंडियन बैंक क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, फॉरेन बैंक सर? नहीं नहीं नहीं, ICICI बैंक में जो होल्डिंग है ना वो 51% से ज्यादा फॉरेन की है, पता है आपको?
71% समथिंग यस सर। तीन चार बैंक ऐसे हैं जिसमें होल्डिंग जो है मतलब होल्डिंग के हिसाब से वो फॉरेन बैंक है, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, आरबीआई में रजिस्टर अलग बात है, ठीक है। फॉरेन मतलब फॉरेन मालिक उसके फॉरेन है, ठीक। तो ये मैंने एग्जांपल बताया है, और मैं आपको बताने वाला हूं नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट। अब कैसे है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी को फोन करता है, और ये आपने ऐसे फिगर देखे होंगे, इस फिगर का मतलब होता है कुछ कहना, ठीक है। क्या बोलता है, माई अकाउंट विद यू, तो वो इस अकाउंट को बोल रहा है, ठीक है। और जो ये अकाउंट है, इस अकाउंट को जो बोल रहा है, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। क्लियर है? हाँ सर, सर। अच्छा, अब वो क्या करता है, एक और बात बोलता है। ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, योर अकाउंट विद अस या विद मी, एक ही बात है, ठीक है, ठीक। तो ये कौन से अकाउंट को बोल रहा है, इस वॉस्ट्रो, और इसको बोलेंगे हम वॉस्ट्रो, ठीक है। अच्छा, अब मैं लेता हूं ब्लू कलर से। यहां पर ये बोल रहा है, यही एसबीआई अगेन बोल रहा है, देयर अकाउंट विद देम, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है, पीएनबी, ये बोल किससे रहा है, ये बोल रहा है सिटी बैंक से बोल रहा है कि पीएनबी का अकाउंट इनके पास है, उसमें क्रेडिट कर दो। तो ये तीन स्टेटमेंट हमने आपको बताए, ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप के नाम जो हैं वो क्लियर करते हैं। ये हो जाएगा हमारा लोरो। अभी किसी का डाउट है तो पूछिए। सर, ये इंडिया के अंदर सारे बैंक हैं तो इसमें नहीं, नहीं चलता है या एब्रॉड होना जरूरी है? ना ना, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मैंने ऐसे बना दिया, ये इंटरनेशनल बाउंड्री खींच दी। सर, लोरो को एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, बताता हूँ एक बार। मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, सिटी बैंक कहाँ पे है, यूएसए में, एसबीआई कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है, और ये कहाँ है, हम ये मान लेते हैं यूके में, ऐसे समझिए, ठीक। तो अगर एसबीआई किसी दूसरी कंट्री के अपने अकाउंट की बात करता है, माई अकाउंट विद यू, अगर ऐसी बात करता है तो इसका मतलब वो वहां पर है, और उसको नॉस्ट्रो बोलते हैं। और नॉस्ट्रो में एक क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि हमेशा फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होती है उसमें, यानी अगर स्टेट बैंक को यूएसए में पैसा चाहिए डॉलर में तो वो इंडिया नहीं मंगाता। अब कोई मुझे बताएगा इंडिया क्यों नहीं मंगाता, क्या रीजन है उसका? ट्रांजिट कन्वर्जन चलते सर। क्या करते? ये कन्वर्जन चार्ज लगेगा। बिल्कुल एक्सचेंज लगेगा, एक्सचेंज लगेगा, और उसको ये जो मान लिया उसने $5 लाख उसने पेमेंट लेना था, और उसको आफ्टर टू डे पेमेंट करना था किसी को, आफ्टर टू डे पेमेंट करना है, तो वो क्या कहेगा, दो दिन तक वही अकाउंट में रखेगा और वहीं से वहीं का पेमेंट कर देगा जिसका भी करना होगा, ठीक है। और एलसी वगैरह जो होती है अधिकतर इसी तरह से ट्रीट होती है कि वो पेमेंट वहीं मिल जाता है उसको, ठीक। सेकेंड केस हमने कौन सा बताया था, हमने बताया था यूआर अकाउंट विद अस या विद मी। तो यहां पर ये यूआर का मतलब किसको बोल रहा है, सिटी बैंक को बोल रहा है कि भाई आपका अकाउंट जो इधर है हमारे पास है, और इसको बोलते हैं वॉस्ट्रो। और इसमें जो बैलेंस होता है, जिस कंट्री में अकाउंट होता है, तो एसबीआई बात कर रहा है इंडिया में होगा, तो इसमें बैलेंस क्या होगा, रुपीज। तो अगर सिटी बैंक से पैसा रुपीज में चाहिए तो वो इंडिया मंगाएगा वॉस्ट्रो में,
और अगर फॉरेन करेंसी में चाहिए तो वही मंगाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके लोरो वाले दे आर अकाउंट विद देम, वो कहता है पीएनबी का अकाउंट स्टैंड चार्ट के पास जो है, पीएनबी का अकाउंट स्टैंड चार्ट के पास जो है वहां जमा कर दिए। किससे बोल रहा है? सिटी बैंक से बोल रहा है कि आपको पेमेंट ना तो खुद अपनी कंट्री में जमा करना है, ना मेरी कंट्री में करना है, आपको थर्ड कंट्री में करना है। लोरो बोलिए, कोई डाउट है बीबी? क्योंकि इसके बाद हम थ्योरी वाला कवर करेंगे। कोई डाउट नहीं सर। लोरो एक बार बता दो सर प्लीज। लोरो बता दो। लोरो में कौन सी करेंसी के लिए? लोरो कौन सी करेंसी? आवाज चली गई थी सर। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। होम करेंसी या फॉरेन करेंसी में लोरो में अकाउंट बैलेंस? लोरो में बैलेंस अपनी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। जब दूसरी कंट्री में बैलेंस चाहिए तो दूसरी कंट्री में दूसरे बैंक के अकाउंट में जमा करवा रहा है। वो सिटी बैंक को कह रहा है कि काइंडली क्रेडिट इन लोरो अकाउंट। अब लोरो अकाउंट को बोलेगा कि पीएनबी का अकाउंट वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास है जो, ठीक है। सर मिरर अकाउंट के बारे में भी थोड़ा बताइए ना। बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैं भूल जाता हूँ। तो मिरर अकाउंट क्या होता है? ये जो नॉस्ट्रो अकाउंट है ना, इस नॉस्ट्रो अकाउंट का स्टेट बैंक में मिरर अकाउंट खुलता है। मिरर अकाउंट किस पर्पज के लिए खुलता है? मिरर अकाउंट खुलता है रिकॉन्सिलेशन पर्पज के लिए। किसके लिए खुलता है? रिकॉन्सिलेशन। जैसे आप लोग उसमें पढ़ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं जो अपना वो है सेकंड पेपर, तो उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज होती हैं और बीआरएस होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। तो वो जो रिकन्सिलिएशन है तो वो रिकन्सिलिएशन के लिए होता है। जैसे अगर सिटी बैंक बोलेगा कि मैंने ये क्रेडिट कर दिए, तो इधर जो है अपने अकाउंट में वो क्रेडिट दिखा देगा, वो कहेगा डेबिट करिए दिखा, फिर वो मिलाएगा कि ये बैलेंस और ये इधर का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मिरर अकाउंट जो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट का, यानी जो दूसरी कंट्री में आपका अकाउंट है उस अकाउंट में का एक रेप्लिका होता है, ठीक। चलो अब हम आ रहे हैं थ्योरी पर। सर एक बार आरआरबी के बारे में बताना सर। सर आरआरबी एजुकेशन ने दिया है और उसमें यह शायद, हाँ सर, जैसे चाइना या फिर अमेरिका कहीं स्टडी करने जा रहा है, उसको फंड कैसे ट्रांसफर करेंगे सर? वो अपने करेस्पोंडेंट बैंक से करेगा, उसके जिससे टाई अप होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं स्पॉन्सर से करे, वो हो सकता है उन्होंने स्पॉन्सर के बाद भी किसी से टाई अप कर रखा हो, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई फैसिलिटी दे रखी हो। वैसे मोस्टली तो प्रिफर वही करेगा स्पॉन्सर्ड बैंक को। चलो अभी इस पे थ्योरी जाने से पहले हमारे तीन अकाउंट रह गए थे, चार अकाउंट, कौन से रह गए थे जरा बताना? ईएफसी, एसएनआरआर, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो इसमें जो होते हैं, जो मनी चेंजर होते हैं, मनी चेंजर खोलते हैं, एक्सपोर्टर खोलते हैं, ठीक है, इंपोर्टर खोलते हैं, क्योंकि हमने बताया था बिजनेस पर्पज के लिए ना। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर क्या है? डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए खोल लेते हैं, उनका पैसा आना जाना चलता रहता है, डेली आके करते हैं। और ये किस तरह का नेचर का अकाउंट होता है? ठीक है, रेमिटेंस पर्पज के लिए भी खोल लेते हैं, कुछ लोगों को फॉरेन में पैसा भेजना है तो वो जो है उससे पैसा भेज सकते हैं, ठीक। तो ईएफसी हो गया। दूसरा डायमंड डॉलर अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट, इसको समझिएगा जरा। कोई ऐसे ट्रेडर जिनका 3 करोड़ का लास्ट
थ्री ईयर में एवरेज टर्नओवर है वो ये अकाउंट खोल सकते हैं और एनी फाइव करेंसी में खोल सकते हैं, एनी फाइव करेंसी। अब एनी फाइव करेंसी से मतलब क्या है कि हो सकता है उसका कई कंट्री से डीलिंग हो, उसका एक ऐसी कंट्री से डीलिंग है जहां ये चलता है, उसका ऐसी कंट्री से चलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और आपका एक और ले लीजिए, आप एक कौन सा रह गया है, जापानी येन हो गया, यूरो, यूरो रह गया, कैनेडियन डॉलर। अब इसमें मैंने तो पांच छह लिख दिए, लेकिन कोई भी ट्रेडर एनी फाइव करेंसी का अकाउंट खोलेगा और उसके कितने अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट नंबर वन वो डॉलर में बैलेंस चलेगा, अकाउंट नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, एनी फाइव। ये बात समझ में आ गई आपको? और ऐसा इसलिए फैसिलिटी दिया हुआ है, कई जो गुजरात सूरत में ट्रेडर हैं वो लोग क्या है रॉ डायमंड मंगाते हैं अमेरिका से और उसको बहुत बढ़िया से बना करके उसको वापस भेजते हैं, तो जब वो वहां से मंगाते हैं तो यहाँ से पेमेंट करते हैं वो, और जब वो फिनिश करके भेजते हैं तो वहां से पेमेंट आता है, तो ये भी एक तरह का ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेड पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ओएफसी। तो ओएफसी का मतलब क्या था, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, ओएफसी, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें क्या होता है कि अकाउंट ओपेंड कहां होता है, इन फॉरेन, अकाउंट ओपन इन फॉरेन, यानी कि आप ट्रेडर हैं, आपको चाइना बार बार जाना पड़ता है सपोज कीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने वहीं चाइना में ही अकाउंट खोल लिया अपना, इस बात को समझ लीजिएगा, ओपन इन फॉरेन फॉर पर्पज क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ लोकल शॉपकीपर या वेंडर। तो आप वहां गए हुए, थाईलैंड गए हुए, वहां से आपने ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे हैं बहुत सारे, तो वहीं का पेमेंट, वहीं से चेक काट काट के उसे पेमेंट किए जा रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट होता है एसएनआरआर। यहां है अकाउंट ओपन इन फॉरेन, यहां पर है अकाउंट ओपन इन इंडिया। क्लियर है? और यहां पे है इंडियन ट्रेडर और यहां पर है फॉरेन ट्रेडर, फॉरेन ट्रेडर ओपन इन इंडिया। ये क्लियर हो रही बात? यस सर। ये रिप्लिका अकाउंट है, पहले नहीं होता था एसएनआरआर अकाउंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉरेन का कोई ट्रेडर है वो इंडिया हर महीने आता है और यहाँ से एप्पल या कहीं से जो अपने कालीन होती हैं या कोई फ्रूट होते हैं, मसाले होते हैं, उनका ट्रेडिंग करता है, तो यहाँ आता है 10 दुकानों से परचेसिंग करा तो यहीं से इंडिया के बैंक का चेक काट के देता है। ठीक है, दिस अकाउंट इज मेंटेन इन रुपीज एंड दिस अकाउंट इज मेंटेन ऑन कंट्री बेसिस। तो जैसे मान लिया कि जापानीज का है तो जापानीज कंट्री में जा तो युआन में खोल लेगा, जर्मनी में खोला हुआ तो यूरो में खोल लेगा। ये क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। ओएफसी और एसएनआरआर अकाउंट। चलो, तो ये अकाउंट के बारे में हमारा लगभग एक कॉन्सेप्चुअल लेसन पूरा हुआ है। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं जिससे कि आज हम इस लेसन को जेआईबी के लिए बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो थ्योरी पे आते हैं। उसमें रुपीस में वो आया जो भी पैसे मिलेगा उसको, तो फिर उसको फॉरेन ट्रेडर होगा तो उसको जो डॉलर में ही जाएगा तो फिर वहां से कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, वो फॉरेन ट्रेडर है, वो इंडिया में आया हुआ है, फॉरेन ट्रेडर है, ओपन इन इंडिया, वो आया फॉरेन से और जयपुर गया और सूरत गया, कहीं पर भी गया, तो वहां के कोई उसकी उसके लिए जो काम कर रहे हैं लोग
या यहां से कुछ खरीद रहा है वो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उसके पास रुपी में बैलेंस कहाँ से आएगा। वो रुपी में बैलेंस आएगा उसका, वो जिस कंट्री से आया है वहां से रेमिट करा लेगा ना, वो इसका जो है डिटेल आपको दे देगा। वो कहेगा इसका जो है इतना पैसा मेरे को स्विफ्ट अकाउंट, स्विफ्ट से रेमिट कर दीजिए। स्विफ्ट से कहाँ रेमिट कराएगा, इस अकाउंट में कराएगा। इस अकाउंट का जो ब्रांच होगा उसका अपना कोई स्विफ्ट कोड होगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो okay. अब जरा थ्योरेटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि जो है हमारा ये टॉपिक जो है। अच्छा, जेआईबी वाले ये बिल्कुल डिबेट में नहीं पड़े कि उनकी बुक में कहां लिखा हुआ। मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूं कि जितना क्लास कल और आज लिया है आपको दो क्वेश्चन वहां मिल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मिल सकते हैं, ठीक। ये तीन अकाउंट हमने पढ़े थे, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थ्योरेटिकल बात करेंगे अब। है सब कुछ हमने वैसे पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग तो बना ली है, लेकिन अब थ्योरेटिकल बात करते हैं। क्या थ्योरेटिकल बात है? नोस्ट्रो है अवर अकाउंट विद मी। अब यहां पर मैंने लिखा था माई अकाउंट विद यू, इसको एज सच अगर वर्ड टू वर्ड याद करना तो ये है। एग्जाम्पल क्या है? SBI मुंबई मेंटेनिंग इन USD अकाउंट इन सिटी बैंक न्यूयॉर्क। सेकेंड है वोस्ट्रो अकाउंट, इट मींस योर अकाउंट विद अस। तो इसमें क्या है? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक न्यूयॉर्क मेंटेनिंग ए रुपी अकाउंट विद SBI मुंबई, ठीक है। अब लोरो को पढ़ लो, आप लोग लोरो में कंफ्यूज हो रहे हैं। इट रेफर टू द अकाउंट ऑफ अदर बैंक, यानी देयर अकाउंट विद देम। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो तो देखना ध्यान से, सिटी बैंक रेफरिंग टू रुपी अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक विद SBI मुंबई और सम अदर बैंक रेफरिंग टू द USD अकाउंट ऑफ SBI मुंबई विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क। यानी एक एग्जाम्पल में तो दिया कि SBI मुंबई का अकाउंट सिटी बैंक न्यूयॉर्क में, ठीक है। दूसरे में क्या दिया कि सिटी बैंक का रुपी अकाउंट अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का अकाउंट SBI मुंबई में। तो लोरो इज एन इटालियन वर्ड विच लिटरली मीन्स देयर, हेंस लोरो अकाउंट मीन्स थर्ड पार्टी। तो उसमें क्या, देयर अकाउंट विद देम। अब इसको बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि थ्योरी हमें पूरी करनी है। मिरर अकाउंट के लिए आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, और मिरर अकाउंट का कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। क्या पूछा गया देखो उसमें, व्हाइल ए बैंक मेंटेन नोस्ट्रो अकाउंट विद ए फॉरेन बैंक और फॉरेन करेंसी, इट हैज टू कीप एन अकाउंट विद द सेम ऑन इट्स बुक, अपने वहां भी रखना पड़ता है। दिस इज मोर और लेस रिफ्लेक्शन ऑफ द नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। द एंट्री इन द मिरर अकाउंट आर यूज टू बी रिकंसिलेशन विद, यही बताया था मैंने। द मिरर अकाउंट इज मेंटेन इन टू करेंसी, देखना जरा ध्यान से, वन ऑफ विच द फॉरेन करेंसी एंड द अदर वन इज द होम करेंसी। अब क्या है देखो, ऐसा क्यों बोल रहा है? सपोज कीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था, $5,000 नोस्ट्रो में जमा हुए, तो इसका इक्वलेंट तो सपोज कीजिए 3 लाख रुपीज। तो उसको एक पता लगता है कि मेरा इंडिया में देखेंगे तो ये बैलेंस है, फॉरेन में देखेंगे तो ये बैलेंस है। आर ए मेजर फंक्शन ऑफ द, ये रियल में कुछ पढ़ रहे थे, ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड जनरेट गुड रिवेन्यू फॉर द इंटरनेशनल बैंक इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस बैलेंसेस चार्जेज ऑन डेबिट क्रेडिट हैंडल पेमेंट कमीशन एक्सेट्रा। तो ये अक्सर कुछ ट्रांजेक्शन के लिए ये अकाउंट वहां मेंटेन कर लेते हैं, ठीक। स्विफ्ट की बात आ रही थी, देखो ये जो स्विफ्ट का हमने बोल रहा है, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। फिर अगेन आपको हम रिवाइज कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर जैसे नोस्ट्रो अकाउंट वहां पे फॉरेन करेंसी में खुला है, तो मिरर उसका मिरर करने के लिए अपने पे अपनी इंडियन करेंसी में अकाउंट ओपन रखना पड़ेगा अपने। अकाउंट ओपन नहीं करना है वो, मतलब एक तरह से एक एंट्री के लिए करना है, और उसमें बोला दो करेंसी में होगा, एक तो होम करेंसी में मेंटेन करेंगे आप बैलेंस उसमें,
एक तरह से दो अकाउंट खोल ले आप समझ लो, या ऐसे मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ। अब कोई अगर फॉरेक्स, कोई अगर फॉरेक्स वाला या मिरर अकाउंट, जिसने मिरर अकाउंट देखी है तो बताएं जरा, नहीं है तो हम बताते हैं। ऐसा है देखो, आपका जो अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, ठीक है। अब ये वाला जो है, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो पता लगा डॉलर डॉलर में आ रहे हैं, इसमें जो भी आ रहे हैं रुपीज रुपीज में आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर उसने करे हैं तो 5000 USD करे तो बैलेंस भी 5000 USD हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो है वो क्या करेगा, 3 lakh rupees, 3 lakh rupees, तो उसे पैरेलली। अब अगर वहां से उसका 900 अकाउंट से डेबिट हो गया, सपोज कीजिए यहाँ $2000 डेबिट हुआ, तो यहाँ पे कितना बैलेंस हो जाएगा, 3000, और यहाँ पे उसका जो भी वैल्यू होगा, हमने यहाँ पे 60 लगाई है तो 120 आ गया, और यहाँ पे 180 बैलेंस हो गया, ऐसे करके उसका मतलब यही है, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। अच्छा, और हम लोग क्या बात कर रहे थे, स्विफ्ट के बारे में सर। हाँ, स्विफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसका थ्योरेटिकल पॉइंट अभी क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओन्ड बाय मेंबर बैंक, यानी कुछ बैंकों ने मिलकर बनाई है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडेड सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो, स्विफ्ट से क्या होता है, पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, स्विफ्ट से पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, स्विफ्ट से क्या ट्रांसफर हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन जा रहा है, मैसेज। भैया ये टेलीकम्युनिकेशन है कि 5 lakh rupees मेरे उस अकाउंट से निकाल के वहां डाल दीजिए, ठीक है, एक बात। दूसरा, फॉरेन बैंक वाला अगर पैसा भेज रहा है तो उसमें कोड लिख रहा है कि इतना अमाउंट मैं आपको रेमिट कर रहा हूं, 1 point कॉन्टेक्ट विद मोर देन, ये तो नंबर हो गए, स्प्रेड ओवर 200 कंट्रीज हो गया, स्विफ्ट वेबसाइट पे कहीं लिखा हुआ, द सिस्टम हैज ए बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम विद एन ऑटोमेटेड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। देखो मैंने कहा ना, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, फाइनेंशियल मैसेज भेजता है थ्रू बाइलेटरल की एक्सचेंज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसने यहां से भेजा 3x@%35$12AC, अब एक की उसने भेज दी, रास्ते में कोई भी अगर इसे हैक कर लेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये की जब यहां मैच करी जाएगी, तो यहां जब मैच करी जाएगी तो पता लगा उसका मैसेज आ रहा है क्रेडिट 5 lakh USD इन दिस अकाउंट, समझ में आ रही बात, कोड में भेजता है, इज अवेलेबल 24 hours 365, द सिस्टम इज अ कॉस्ट इफेक्टिव विद कॉस्ट इन एवरेज मैसेज बीइंग ग्रॉसली लोअर बाय ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ दैट द कन्वेंशनल टेलेक्स सिस्टम। तो पहले टेलेक्स होता, टेलीग्राम भेजते थे। स्विफ्ट इज ड्रिवन एंड डिफाइंड बाय इट्स विजन, मिशन एंड 3 core values। ये क्वेश्चन वैसे थियोरटिकल है, उसकी कोर वैल्यूज क्या है, एक्सीलेंस, कम्युनिटी एंड इनोवेशन। तो इसकी कोर वैल्यू है क्या है, विजन, मिशन और इसकी 3 core values है। स्विफ्ट हैज इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेजेस बिटवीन बैंक्स, वेयर बाई द बैंक आर रिक्वायर्ड टू हैव ऑथेंटिकेशन की एक्सचेंज बिटवीन देमसेल्व, यानी उनके पास भेजने वाले के पास की है और रिसीव करने वाले के पे की है, और इसी को हम बोलते हैं बाइलेटरल की एक्सचेंज, थ्रू अ सेट फॉर्मेट बाय द यूज ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट RMA, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ऑल्सो कॉल्ड स्विफ्ट BIC, बैंक आइडेंटिफायर कोड। क्या है,
बैंक आइडेंटिफायर कोड, मतलब एक बैंक की अपनी पहचान, दूसरे बैंक की दूसरी पहचान। तो स्विफ्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप यहाँ पे अभी इतना श्योर हो जाएंगे कि कैसे काम करता है। बाइलेटरल की इसका अरेंजमेंट है और ये फाइनेंशियल मैसेजेस भेजता है, ठीक है। देखो कल हम एक पढ़ रहे थे कि डेफिनेशन ऑफ एनआरआई की बात कर रहे थे, तो एनआरआई की डेफिनेशन देखिए फेमा के अकॉर्डिंग इसमें दे रखी है, क्या बोलता है, इंडिया इंडियन सिटीजन हु प्रोसीड एब्रॉड फॉर, क्या बोला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट और फॉर कैरिंग एनी बिजनेस और वोकेशन और फॉर एनी अदर पर्पज इन सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग इनडेफिनिट पीरियड वाला। इनडेफिनिट पीरियड स्टे का भी कोई होगा तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, कहां करते हैं, फॉरेन में, तो फॉरेन में मैरिज कर दिया तो ये पर्पज क्या होगा, इनडेफिनिट पीरियड हो गया। तो एक तो डेफिनेशन इसमें इन्होंने दी कि ऐसे लोगों को एनआरआई का स्टेटस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। और कौन सा दूसरा स्टेटस, ये एक क्वेश्चन आपका थ्योरी में आ सकता है, वो पूछेगा आउट ऑफ दीज हु इज नॉट एनआरआई या हु इज एनआरआई, ठीक। दूसरा बोला इंडियन सिटीजन वर्किंग एब्रॉड असाइनमेंट फॉर विद कोई फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करता है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम करता है, कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसी जो होती है आईएमएफ वगैरह के साथ करता है, यूनाइटेड नेशन के साथ काम करता है, ठीक है, वो लोग भी, ठीक है, ऑफिस, लेकिन कंडीशन वही है 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहे, ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जाते हैं वहां पे डेप्यूटेशन में जाते हैं, ठीक है, वो लोग भी उस कैटेगरी में आएंगे। और दूसरा वो कैटेगरी होती है जो इंडिया के कभी थे, अब वो किसी और कंट्री के सिटीजन हो गए, अदर देन कौन सा, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और सच कंट्री एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल और गवर्नमेंट को भी गए। अगला है हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट इतना 95, तो वो लोग भी क्या होंगे, हु वाज अ सिटीजन, कभी वो इंडिया के सिटीजन इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग थे और आज नहीं है, who belong to a territory that becomes a part of India after 50th day. अब इसमें क्या है कि जब फ्रीडम हुआ था उसके 15th day के बाद जब उन्होंने देखा था, अगर वो इंडिया में था उस दिन, क्योंकि 15 दिन क्यों है, उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों को परमिशन दी गई थी कि अभी भी आप चाहें तो विदेश जा सकते हैं, तो उसके बाद जो भी इंडिया में था वो इंडियन है, मतलब वो उसके बाद 15 दिन था, लेकिन आजकल कहां चला गया है, वो कहीं किसी और कंट्री का हो चुका है। हु इज ए चाइल्ड ऑफ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए ग्रेट ग्रैंड, ये तो हमने कल बात कर दी कि कोई भी जो है जिसके फादर फोर फादर हो। दूसरी हमने बात कही थी स्पाउस वाले बेसिस पे भी, जिसकी स्पाउस जो है फॉरेन ओरिजिन की है तो वो भी स्टेटस किसको मिलेगा, इंडिया फॉरेन स्टेटस की है, यानी किसी ने इंडियन ने ऑस्ट्रेलियन से शादी कर ली तो ऑस्ट्रेलियन जो वो जिस लेडी से शादी करी है उसको भी हम बोलेंगे क्या, पीआईओ बोलेंगे। अब ये जो है पहले जो ओसीआई वाला एक कैटेगरी होती थी वो अब क्या हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई है, ओसीआई और पीआईओ को क्या है, मर्ज कर दिया गया है। ये अकाउंट आपके सामने चार अकाउंट आ रहे हैं और ये जो चार अकाउंट यहां लिखे गए हैं इसको खोलने के लिए स्पेशल क्या है, या तो कोई फॉरनर हो या कोई एनआरआई का स्टेटस वाला है, तो इसके पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, वैसे एक्सेप्ट उसे बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ओपनिंग नॉन रेजिडेंट अकाउंट द बैंक हैज टू ऑब्टेन एन एप्लीकेशन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद अनटेकिंग दैट द अकाउंट होल्डर शैल इन्फॉर्म द बैंक द डेट ऑफ अराइवल एज एंड व्हेन ही रिटर्न्स फॉर परमानेंट सेटलमेंट। तो अब देखो जब भी वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए आएगा तो बैंक को बताना पड़ेगा, जिससे बैंक जो है उसको अगले साल एनआरआई का दर्जा हटा दे, ठीक है। बैंक शुड ऑल्सो ऑब्टेन नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक कॉपी ऑफ पासपोर्ट वीजा और ये सब कागज उसको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है हमारे सारे अकाउंट के जो बेसिक फीचर है आज हम इसको क्लियर कर लेंगे। कोई
छोटे मोटे फीचर हैं वो रहना जाए। कल हम बात कर रहे थे देखो कि ये कैसे एनआरई एनआरआई जो अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन कैसे कैसे वो कर सकता है। तो इसमें साफ साफ बोला हुआ है क्या, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ये चेक, ये इसकी चेक की स्पेलिंग यूएस में ऐसे भी चलती है, ड्राफ्ट है, और किसी और एनआरआई अकाउंट से, ये सीआईबी वाले सुन लें जरा, मेरे एक एनआरआई अकाउंट यहाँ है एसबीआई में है और एक पीएनबी में है, तो पीएनबी से मैं ट्रांसफर यहाँ कर सकता हूँ तो ले लिया जाएगा, ठीक है। बाय टेंडरिंग फॉरेन करेंसी ट्रेवलर्स चेक, देखो ये भी आ गया, फॉरेन करेंसी भी जमा कर सकता है वो, ट्रेवलर चेक अगर उसके पास वो है, नोट्स बाय द एनआरआई ड्यूरिंग टेम्पररी विजिट इंडिया, तो कभी कभी क्या होता है जब वो एरोप्लेन से उतरता है तो उसके पास कुछ करेंसी बच जाती तो वो लाके भी जमा कर सकता है। ये क्वेश्चन कल डिबेट हो रहा था कि वो इंडिया में कैसे जमा करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड द बैंक इज सेटिस्फाइड, बैंक को सेटिस्फाई होना चाहिए, एनआरआई बैंक कैन बी अकाउंट सेविंग में, करंट अकाउंट, रिकरिंग और टीडीआर बता दिया था। ज्वाइंट अकाउंट में क्या है, वो एनआरआई और पीआईओ के साथ तो कर ही सकता है, लेकिन उसके बाद वो उसके साथ भी कर सकता है एफ और एस में, कोई रेजिडेंट इंडियन के साथ भी कर सकता है। देखो लिखा हुआ है बाय एन एनआरआई विद अ रेजिडेंट रिलेटिव, रिलेटिव होना चाहिए, यहां एक बात पॉइंट आ गया कि उसको रिलेटिव के साथ कर सकता है, दोस्त के साथ नहीं कर सकता, और वो अगर रेजिडेंट इंडियन है तो उसको कैसे खोलना पड़ेगा, फॉर्मर सर्वाइवर। हाउएवर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम द एनआरआई पीआईओ अकाउंट होल्डर द रेजिडेंट रिलेटिव कैन ऑपरेट द अकाउंट ओनली एज ए पावर ऑफ अटोर्नी, अगर ऑपरेट करना है तो पावर ऑफ अटोर्नी, और अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद पूरा वो कंज्यूम कर सकता है मनी को, अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। क्या क्या ट्रांसफर परमिटेड है इसको, एनआरई अकाउंट में उसको बाहर से आने वाला पैसा, यहाँ पे उस पैसे में मिलने वाला इंटरेस्ट, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसका इंटरेस्ट आ सकता है, किसी एनआरई या एफ सी एनआर बी अकाउंट, एनआरओ नहीं लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सच एन इन्वेस्टमेंट, कोई उसके पास पहले से उसने एफडी वगैरह करी थी उसका पैसा भी ला सकता है वो, उसमें करंट इनकम कौन कौन सी किसकी बात कर रहा है, जो एनआरई की परमिशन दे रहे हैं जिसको हम क्या क्या कर रहे हैं परमिशन, उसको उसको कह रहे हैं करंट इनकम कोई उसकी हो रही है, कैसी इनकम हो रही है, करंट इनकम कौन कौन सी इनकम है, देखिए लाइक रेंट, डिविडेंड मिल रहा है, पेंशन आ रही है, इंटरेस्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए परमिसेबल क्रेडिट टू एनआरई अकाउंट प्रोवाइडेड द ऑथराइज डीलर इज सेटिस्फाइड दैट अ क्रेडिट रिप्रेजेंट करंट इनकम ऑफ द एनआरआई पीआईओ अकाउंट होल्डर एंड इनकम टैक्स देयर ऑन हैज बीन डिडक्टेड पेड प्रोवाइडेड फॉर द केस में भी, यानी अगर वो बाहर गया हुआ है और उसको इंडिया में रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट से इनकम हो रही है तो वो इनकम भी उस एनआरआई अकाउंट में जमा की जा सकती है, ठीक है, लेकिन उसको उस पे लगने वाले टैक्स को जमा करना पड़ेगा, लेकिन जो से पैसा आ रहा उसमें टैक्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। डेबिट क्या कर सकता है, वो अपने अकाउंट से कोई भी डिसबर्समेंट दे सकता है, रेमिटेंस बाहर भेज सकता है, और किसी अदर एनआरई और एफसीएनआरबी अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है। अदर फैसिलिटी में क्या हुआ, चेकबुक वगैरह हो गई, करंट अकाउंट खोल सकता है वो, और फुल रिपेट्रिएशन डिपॉजिट, मैंने हमने बताया था कि उसको पूरा पैसा वो विदेश भेज सकता है। मैच्योरिटी प्रोसीड्स कैन बी ट्रांसफर टू अनदर एनआरई एफसीएनआर अकाउंट विद सेम और अनदर बैंक एज डिजायर्ड बाय द डायरेक्टर। नॉमिनेशन फैसिलिटी परमिटेड होती है, इसमें बहुत कॉमन सी बात थी, इनकम टैक्स की जो नॉर्मल बात थी वहां पे, और इनकम टैक्स जो होता है उसमें इनकम टैक्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस हेल्ड इन एनआरई अकाउंट is exempted from income tax। देख लीजिए, सुन लीजिएगा कि अभी हमने पीछे बात करी ना, अगर एनआरई अकाउंट में उसका इंटरेस्ट आ रहा, उसका रीजन लॉजिक समझिएगा, सपोज कीजिए उसने 5 लाख रुपीस कन्वर्ट करके इंडिया में एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट करिए और उससे उसे 28,000 का इंटरेस्ट इनकम हो गया, अगर आप उसमें टैक्स काट लेंगे तो वो अपना जो उसने 8,000 डॉलर यहाँ भेजा था कन्वर्ट करके वो नहीं भेजेगा,
कहेगा मेरे को क्या फायदा हो रहा, कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें भी टैक्स काट ले रहे हैं, तो वो नहीं भेजेगा। इसीलिए इस अकाउंट में वो नहीं करेगा, इंटरेस्ट टैक्स नहीं कटेगा, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है। अच्छा अब क्या है, रेजिडेंट कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड बाई द अकाउंट होल्डर प्रोवाइडेड सच ऑपरेशन आर रेस्ट्रिक्टेड विद। अब देखिएगा सुनिए, इसमें क्या है कि जिसने बोला कि कोई बंदा विदेश चला गया, फॉरेन चला गया, और वो जाने से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी लिख गया था किसी के नाम, अब उसने वहां फोन किया कि बैंक में चले जाओ मेरा करंट अकाउंट खोल दो, तो उसी पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस में उसका करंट अकाउंट, ये वो सॉरी एनआरई अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसमें सिर्फ क्या अलाउड होंगे, विड्रॉल। वो विड्रॉल क्या, वो उसके लोकल खर्चे, फैमिली के या उसके पेमेंट के लिए, और रेमिटेंस टू द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू बैंकिंग चैनल, बैंक से जो पैसा आ रहा वो अलाउड होगा। इन केस ऑफ वेयर द अकाउंट होल्डर और द बैंक डेजिग्नेटेड बाय हिम इज एलिजिबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मे बी परमिटेड। अब इसमें क्या है, कई बार क्या, अगर उससे किन्हीं चीजों में परमिशन है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की, तो पावर ऑफ अटॉर्नी से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। द रेजिडेंट इंडियन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इज नॉट अलाउड टू ओपन अ एनआरई अकाउंट, रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया फंड्स हेल्ड इन द अकाउंट ऑफ अदर देन टू द अकाउंट होल्डर ऑफ हिमसेल्फ, मेक पेमेंट बाई वे ऑफ गिफ्ट टू रेजिडेंट इंडियन ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, ट्रांसफर फंड फ्रॉम द अकाउंट टू द अनदर अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, यहां बोला द रेजिडेंट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इज नॉट अलाउड टू, इतने काम यहां मना किए हैं, लेकिन यहां तो इसने ऊपर कुछ और बोला था, एक मिनट रुकिएगा जरा। रेजिडेंट कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑफ बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू अकाउंट होल्डर प्रोवाइडेड सच ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, रेजिडेंट कैन ऑपरेट है और यहां पे ओपन करने के लिए उसने मना किया। देखो बाहर पैसा नहीं भेज सकता वो, उसके लिए उसे खुद ही भेजना वो करना पड़ेगा, या अगर बाहर भेजेगा तो सिर्फ उसी के अकाउंट में भेजेगा। जैसे मान लिया राम जी ने एक एनआरई अकाउंट खोल रखा है और वो यूएसए में है, उसमें 5 लाख रुपीज का बैलेंस है, उन्होंने कहा कि मुझे $2,000 मेरे को सैलरी नहीं मिली है मुझे भेज दो, तो यहाँ से वो उसी के अकाउंट में जा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में नहीं भेजेगा, यानी अपने पर्पज से वो भेज सकता है। ठीक है, और ये 50,000 की उसको टेम्परेरी ड्राइंग उसको अलाउड की जाती है, लेकिन उसमें एक वीक में उसे वो करना है, इसमें 2 वीक में। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कि उसका ओडी कर सकते हैं 50,000 रुपए का, लेकिन कितने 2 वीक में उसे वो करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, एनआरई अकाउंट शुड बी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट, क्योंकि वो इंडिया में ही मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो रेजिडेंट अकाउंट हो गया। और अब यहां पे एक क्वेश्चन पॉइंट आ गया कि मे बी ट्रांसफर टू द आरएफसी अकाउंट, वो पैसा जो है आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर इमीडिएटली अपॉन द रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर टू इंडिया। तो ये बोलते हैं ना कि जब परमानेंटली रिटर्न हो रहा है तो हो सकता है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टेनोर एप्लीकेशन एप्लीकेबल विल बी अकॉर्डिंग विद द, जो डोमेस्टिक अकाउंट होते हैं उसी में उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है वो करता है। ठीक, अब आगे एनआरओ अकाउंट, तो एनआरओ अकाउंट में क्या चीज है, इसमें एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो, ये देखो पॉइंट आ गया, फॉरेन से जो टूरिस्ट आते हैं वो, लेकिन वो ये जो पीरियड है वो मैक्सिमम कितने, आप लोग आंसर कर लिए, जो मैक्सिमम कितने मंथ तक कोई टूरिस्ट इंडिया में एनआरओ अकाउंट मेंटेन कर सकता है, 6 महीने तक, 3 मंथ नहीं है, 6 महीने, सिक्स मंथ है उसका रीजन, समझिएगा मैं लॉजिक से बताता हूँ आपको, 6 महीना इसलिए अगर वो 6 महीना से आगे इंडिया में रह गया तो वो एनआर एस हो जाएगा।
एनआरएस का मतलब समझते हैं? नहीं नो सर, नॉन रेसिडेंट। क्या लिखा मैंने? रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर ऐसे ही, अगर वो जर्मनी का है तो एनआरजी हो जाएगा, यानी वो उस कंट्री में कहेगा कि मैं नॉन रेजिडेंट हूं उस कंट्री का, और इंडिया में आके अपने आप को कहेगा मैं तो विदेश घूम के आया, मैं वहां से कमा के ला रहा हूं, आप मेरे पे टैक्स नहीं काटे। मतलब वो सीन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, तो किसी को भी ऐसा परमिशन नहीं है। टूरिस्ट वीजा हमेशा किसी भी कंट्री में मैक्सिमम 6 मंथ का मिलता है, क्योंकि वो क्लेम कर लेगा ना, तो 6 मंथ का रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसके एनआरओ अकाउंट होते हैं वो टूरिस्ट के खोलते हैं। टूरिस्ट के अलावा स्टूडेंट होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स जो होते हैं या इंडिया में पढ़ने आते हैं, उनका भी जो अकाउंट खुलेगा उनका भी एनआरओ अकाउंट खुलता है, ठीक है। कोई डाउट? कोई अपना वीजा एक्सटेंड करा ले 6 महीने के लिए और तो फिर नहीं होगा, होगा ही नहीं, टूरिस्ट वीजा होगा ही नहीं एक्सटेंड। वो किसी स्पेशल कंडीशन में हो सकता है कि मतलब यहाँ आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कहा इसको अगले 1 साल तक आप उठाएंगे नहीं यहाँ से, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो उसके लिए सिस्टम होगा पूरा बना हुआ ना गवर्नमेंट का। दिस इज बेसिकली डोमेस्टिक अकाउंट ऑफ एन एन आर आई ओपन एंड मेंटेन टू फैसिलिटेट क्रेडिटर विच अक्रूड इन इंडिया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट वर मेड प्रायर टू द लीविंग ऑफ द गवर्नमेंट। उसने पहले से वहां विदेश जाने से पहले इन्वेस्टमेंट किया था, रेंट था, LIC का मैच्योरिटी था, सब इसमें जमा हो जाता है, ठीक है। और जो NRO अकाउंट है वो भी चारों तरह के अकाउंट, मैंने बताया था सेविंग बैंक, करंट ऑल टाइप बोला था ना मैंने, ठीक है। एंड द मोस्ट रेगुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट टेनोर एप्लीकेबल सिमिलर, बिल्कुल जैसे डोमेस्टिक अकाउंट होता वैसे ही होता है। और इस पे होने वाला जो भी चीज इनकम है उस पर टैक्स डिडक्शन होता है, जबकि एनआरई अकाउंट में नहीं होता है। द अकाउंट में बी हेल्ड जॉइंटली विद रेजिडेंट ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, ठीक है। यहां देखो, अकाउंट कैन बी ओपन बाई ए फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया विद रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडियन थ्रू बैंकिंग चैनल और बाई सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट बाई हिम टू इंडिया। देखो दो बातें, ये बार बार जो है बैंकिंग चैनल क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं कि दाऊद इब्राहिम जी ने आपको एक ब्रीफकेस दे दिया उसमें कहा जाओ बैंक में जमा कर दो, बैंकिंग चैनल से पैसा आना चाहिए, ठीक है। और या जब वो इंडिया आया था तो उसके जेब में कुछ करेंसी डॉलर थे तो उसको सेल करके, जो इंडिया सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज उससे जमा हो सकता है। द बैलेंस इन एनआरओ अकाउंट मे बी पेड टू द अकाउंट होल्डर एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, जब वो वापस जा रहा हो तो उसको पैसा वापस कर सकते हैं। पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, देखो वो आ गया कितना, 6 मंथ। एंड द अकाउंट हैज नॉट बीन क्रिएटेड विद एनी लोकल फंड, उसमें यहां से कोई पैसा जमा नहीं होना चाहिए। अदर इंटरेस्ट अक्रूड इनकम, ये पैसा वो वहां नहीं ले जा सकता, ठीक है। ये सब एनआरओ अकाउंट की बात हो रही है सर? जी जी ठीक है। आप इसमें एनआरओ अकाउंट में फॉर्मर और सर्वाइवर की जरूरत होती है क्या सर? आई वाज जस्ट, बिल्कुल एनआरओ अकाउंट में दूसरा बंदा जो ज्वाइंट होगा, क्योंकि एनआरओ किसका अकाउंट है, एनआरआई का ना जी, एनआरआई का जो भी अकाउंट है उसमें दूसरा अगर जुड़ेगा तो या तो एनआरआई होना चाहिए, तब तो वो ईआरएस में खुल सकता है, और अगर वो अपने किसी रेजिडेंट को जोड़ना चाहता है तो एफआरएस में खुलेगा। और ये कंडीशन एफसीएनआर, आपका एनआरई और एनआरओ तीनों में लागू होती है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ये जो पैराग्राफ है सीआईबी वाले बहुत अलर्ट हो जाएं, कई बार इसी में बांग्लादेश पाकिस्तान के केस स्टडी जब आती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या, ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान नेशनलिटी ओनरशिप एंड एंटिटीज ऑफ बांग्लादेश ओनरशिप रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। तो अगर वो फॉरेन का है, कहां का है, बांग्लादेश या पाकिस्तान का है, तो उसको एनआरओ खोलने के लिए परमिशन चाहिए। इंडिविजुअल ऑफ बांग्लादेश नेशनलिटी में अभी अलाउड टू ओपन दीज अकाउंट सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल होल्डिंग वैलिड वीजा
एंड वैलिड। अब इसमें देखो ध्यान से सुनिएगा, जो बांग्लादेश नेशनलिटी के इंडियन वो है लोग हैं उनको अकाउंट खोलने के लिए क्या है, वैलिड वीजा अगर है और वैलिड रेजिडेंशियल परमिट इश्यूड बाय फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब ये है जैसे जो रिफ्यूजी टाइप में कुछ परमिट किए हुए लोग रह रहे हैं ना बांग्लादेश के लोग, उनके लिए बिल्कुल अलग पोजिशन है। और अगर कोई एंटिटी है, एंटिटी का मतलब कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है, कॉर्पोरेट कंपनी है, वो लोग अगर अकाउंट खोलेंगे, और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल क्लियर है कि उसको तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बांग्लादेश के जो रिफ्यूजी टाइप के लोग हैं जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है उनको परमिट किया जा सकता है। परमिसिबल क्रेडिट में क्या है, आउटसाइड इंडिया से जो भी ड्यूज इंडिया वो एंड ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट आर परमिसिबल क्रेडिट टू द एनआरओ अकाउंट। रुपी गिफ्ट लोन मेड बाय, अब देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता है एनआरई को क्या कार लोन मिल सकता है, देते हैं सर बैंक, हाँ देते हैं। हाउसिंग लोन मिल सकता है, हाँ सर बिल्कुल मिल सकता है। तो अब कार लोन या हाउसिंग लोन जब मिल रहा है, कार लोन में तो चलो ड्राफ्ट बन जाता है तुरंत, लेकिन हाउसिंग लोन मिलता है तो उसके तीन टाइम में पेमेंट हो रही है। मान लिया 20 लाख पहला पेमेंट आया तो उसके अकाउंट में तो डालते हैं, तो वो अकाउंट का पैसा एनआरई के हाउसिंग लोन का पैसा एनआरओ में जमा हो सकता है। एनआरई में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एनआरई में अगर जमा हो जाएगा तो क्या कर लेगा उस पैसे को, रिपेट्रिएट कर लेगा, रिपेट्रिएट कर लेगा, ठीक है। और परमिसिबल डेबिट की बात आई है, तो परमिसिबल डेबिट में क्या है कि वो मैंने बताया था कि कितना 1 मिलियन USD है, 1 मिलियन USD सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेमिटेंस ऑफ एसेट रेगुलेशन, कोई रूल है उसको अकॉर्डिंग देखते हुए। फंड कैन बी ट्रांसफर टू द एनआरई अकाउंट विद इन द, अगर वो एनआरई अकाउंट में ला रहा तो भी 1, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो डायरेक्ट भेज दे, और ऐसा भी हो सकता है पहले वो एनआरई में डाल ले पूरा पैसा और एनआरई से पूरा भेज दे। अब पता चला एनआरई में उसने 10 मिलियन डाल लिया और यहाँ से भेज दिया, तो इसीलिए उनको या तो डायरेक्ट भेजेगा तो भी USD 1 मिलियन, और अगर एनआरई में डालेगा तो भी USD 1 मिलियन उसको परमिट किया जाता है। और ये परमिट जो होता है पर्टिकुलर ईयर का होता है, हर साल का होता है, हर साल उसको इतनी परमिशन होती कि इतना फंड अपना वो ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर हो गई बात, फाइनेंशियल ईयर सर, हाँ फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, हर साल वो इतना इतना करके। और सर एक बात सर, सर अभी आप बता रहे थे कि जो फॉरेन टूरिस्ट आता है तो वो एनआरओ अकाउंट खोल सकता है, तो वो एनआरआई तो नहीं हुआ ना सर, तो एनआरआई कैसे एनआरओ खोलेगा, वो तो सिर्फ फॉरेनर ही खोल पाएगा एनआरओ जो। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मेरे मेरे स्क्रीन पे देखिए जरा आप, जब स्क्रीन पे हमने ये देखो जरा, एनआरओ में हमने एक वर्ड लिखा था जो एनआरओ लिखा हुआ था, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एनआरआई पीआईओ और फॉरेन नेशनल, हाँ लिखा है ना, हाँ सर हाँ, तो लिखा उसी दिन बता दिया था हमने, कोई बात नहीं चलो। और सर एक बात और सर, हाँ, जो आप इंडिया का कोई बॉय और ऑस्ट्रेलियन कोई गर्ल का मैरिज हाँ, होता है हाँ, तो इसमें पीआईओ कौन होगा, इंडियन या ऑस्ट्रेलियन, समझ नहीं, देखो वो ऑस्ट्रेलियन तो कभी भी पीआईओ नहीं होगा, तो वो सर इंडियन बॉय से शादी करने के बाद नहीं, तो नहीं, वो हाँ नहीं नहीं होगा, अगर वो स्पाउस है ना शादी करा ना सर, जो हस्बैंड वाइफ हैं उनमें से एक भी बंदा कभी इंडिया से जुड़ा हुआ रहा हो, ठीक, एनआरओ अकाउंट में जो भी रेट्स होते हैं टैक्स के वो प्रॉपर लगते हैं, ठीक, ये फॉरेन टूरिस्ट पर टेम्परेरी आता है। अब देखिएगा जरा, द बैलेंस हेल्ड इन द अकाउंट बाय वे ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कन्वर्जन फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड बैक टू फॉरेन करेंसी, कब, जिस समय वो जाएगा, और वो कितने 6 महीने से ज्यादा वो कभी भी यहाँ पर अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। और कोई रेजिडेंट इंडियन अगर पहले से रेजिडेंट है वो अगर एनआरआई हो जाएगा,
उसका एग्जिस्टिंग अकाउंट इमीडिएटली कन्वर्टेड टू एनआरओ, तो मैंने बता दिया था आपको। एनआरओ अकाउंट में भी डेजिग्नेटेड एज रेजिडेंट अकाउंट ऑन रिटर्न ऑफ अकाउंट होल्डर। अब वो जैसे उस पहले क्या हुआ, उसका रेजिडेंट इंडियन अकाउंट है, यानी ऑर्डिनरी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ऑर्डिनरी अकाउंट है। जब वो एनआरआई हुआ तो उसके अकाउंट का नाम क्या हो गया? एनआरओ। फिर वो इंडिया वापस आ गया, अब वो यही रह रहा है, तो इसका नाम फिर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट हो गया। ठीक है? यस सर। यानी फ्लैग वो हो जाएगा बस उसका। ठीक है, नॉमिनेसी है ही, नॉमिनेशन है इसमें। पावर्स हैव बीन एलिगेटेड अथॉराइज्ड डीलर। अथॉराइज्ड डीलर से मतलब क्या है? जो बैंक है जो ये डील करते हैं, अलाउड टू ऑपरेशन ऑफ एनआरओ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड। वो तो जैसे एनआरई में था वैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी, मान लिया वो दो साल में एक बार आता है, एक साल में एक बार, तो कहता है भैया फैमिली को वो जो उसमें ट्रांजेक्शन है वो कर सकता है उसमें। ठीक है ना? एक आखिरी पॉइंट इसमें नजर आ रहा है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। एनआरओ अकाउंट ऑन लीविंग द कंट्री आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट टू इनेबल देम टू रिसीव देयर पेंडिंग बोनाफाइड ड्यूज। अब देखो, अब वो इंडिया वापस आ गया रिटायर होके, तो उसकी पेंशन हो सकती है, कुछ हो सकती है। सब्जेक्ट टू द बैंक सेटिस्फाई इटसेल्फ द क्रेडिट ऑफ अमाउंट्स आर बोनाफाइड ड्यूज। बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन। द अकाउंट होल्डर व्हेन सी हैज वर रेजिडेंट इंडिया द फंड्स क्रेडिटेड टू द एनआरओ अकाउंट शुड बी रिपेट्रिएटेड अब्रॉड इमीडिएटली सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल। तो वो कह रहा है कि कोई भी जो ऐसे पैसा है उसमें एनआरओ अकाउंट में, और वो अगर वापस जाएगा तो उसमें कोई भी टैक्स का जो प्रोविजन है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट रिपेटेड अब्रॉड शुड नॉट बी एक्सीड। वो तो पहली कंडीशन बता दी है, ये देखो लिखा हुआ पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, द डेट टू द अकाउंट शुड बी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिपेटेशन टू द अकाउंट होल्डर अकाउंट मेंटेन अब्रॉड। द अकाउंट शुड बी क्लोज इमीडिएटली आफ्टर ऑल ड्यूज हैज बीन रिसीव्ड एंड रिपेटेड एज फॉर द। तो अब देखो उसमें कह रहा है कि जो भी पैसा अगर बाहर भेज दिया गया उसका, और उसमें अगर बैलेंस फिर जीरो हो गया और वो बंदा भी चला गया है विदेश में, तो उस कंडीशन में वो अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, केवल एक पॉइंट और बता दूं मैं एफसीएनआर का, इसलिए मैं आपसे पॉइंट ले रहा था। ठीक है, इसमें सारी चीज मैंने कवर कर दी है, केवल एक दो चीज है जो मुझे कवर करनी है, वो है हमारा 5 ईयर वाला, मैंने बताया था। और इसका मिनिमम पीरियड कितना है? 1 ईयर है। बाकी ये पॉइंट जॉइंट वाला सेम है बिल्कुल। और परमिटेड क्रेडिट और डेबिट क्या है कि इसमें कोई भी एनआरई अकाउंट से एफसीएनआर अकाउंट में जमा हो सकता है, और किसी भी एफसीएनआर से एनआरई अकाउंट में जमा हो सकता है। एसएनआरआर में बोला था हमने कि कोई भी जो फॉरेन है, कोई भी पर्सन है जो इंडिया का नहीं है, तो लिखा हुआ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जिसका बिजनेस इंटरेस्ट हो इंडिया में, वो एसएनआरआर अकाउंट खोल सकता है। और स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए उसे वो करना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कौन सा अकाउंट खोला जाएगा? करेंट अकाउंट। ऑथराइज डीलर की वो है कि वो देखेगा कि वो बिजनेस करने के लिए अकाउंट खोला है या यहाँ आतंकवादियों को दे रहा है। द टेनर ऑफ द अकाउंट शुड बी कंकरेंट टू द टेनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लिया वो यहाँ पे बिजनेस के लिए आया है, उसने 3 ईयर के लिए आया हुआ है, तो 3 ईयर तक चलेगा, लेकिन उसमें बोला हुआ है बिजनेस ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड इन नो केस शुड एक्सीड 7 ईयर। मैक्सिमम कितने साल के लिए है वो? 7 ईयर के लिए खोलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको कोई परमिशन अकाउंट ऑपरेशन की नहीं दी जाएगी। जो पाकिस्तान के पॉइंट था यहाँ पे, एसएनआरआई बाय पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नेशनल एंड एंटिटीज इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। हाँ, ट्रांसफर एनआरओ से एसएनआरआर में नहीं जा सकता। एसएनआरआर में अगर उसे पैसा चाहिए तो उसको वहां से रेमिट ही करना पड़ेगा, मतलब फॉरेन करेंसी ही आनी है उसमें अकाउंट। सर, एनआरओ में टैक्स स्लैब वो क्या होता है? एनआरओ में क्या टैक्स स्लैब है जो, वो कितना होता है? पान का कोई रिस्ट्रिक्शन है या कुछ रिस्ट्रिक्शन है? प्लेट है, टैक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, टैक्स की। टैक्स में नॉर्मल लगेगा?
यानी कि 20% वाला या फिर देखो एक चीज से क्लियर हो, टैक्स और टीडीएस में पहले क्लियर हो जाओ। टीडीएस तो कटेगा वो 30% कटेगा, लेकिन जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो उसमें जो भी रूल है वो 10% के स्लैब में है, 20% के स्लैब में है, उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन एनआरई अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट पे, कोई भी उसने इंटरेस्ट इनकम किया हुआ है, फॉरेन से पैसा भेजा हुआ है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, और एक चीज सर, ये मिरर अकाउंट जो आपने बोला उसमें ओरिजिनल बैलेंस मेंटेन करना रहता है या फिर इमेजिनरी बैलेंस ही रखना पड़ता है? देखो रखते तो ओरिजिनल ही है, लेकिन अगर फॉरेन बैंक ने आपके अकाउंट में जमा करके उसमें से $100 रुपए चार्जेस काट लिए, तो जब आपको मालूम होगा कि उसने ₹100 चार्ज काट, तभी तो आप एंट्री करोगे उसकी। तो जब रिकनसाइल करोगे तब आपको समझ में आया कि मेरा बैलेंस कम क्यों है। वैसे तो टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, जैसे डेबिट होगा तुम्हें बता देता होगा। चलो तो आज के लिए क्लास हो गया हमारा पूरा।